वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। दोस्तों, यह चैनसो मशीन रिपेयरिंग का सेकंड पार्ट वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन वीडियो देख लीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं। यह चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा था। सिलेंडर को खोलकर हमने बाहर निकाला तो पता चला रिंग, पिस्टन और सिलेंडर सभी डैमेज हो गया है। पिस्टन से पिस्टन लॉक हमने बाहर निकाल दिया है। ये देखिए, यह है पिस्टन लॉक। पिस्टन में दोनों तरफ से पिस्टन लॉक लगा हुआ रहता है। एक पिस्टन लॉक हमने निकाल दिया है। अब मैं दूसरा पिस्टन लॉक को बाहर निकाल रहा हूँ। इस तरह का प्लास लेकर आप बहुत ही आसानी से लॉक को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, पिस्टन लॉक बाहर आ गया है। अब मैं पिस्टन पिन को बाहर निकालूंगा। पिस्टन पिन बाहर निकालने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एलेंकी 5mm का। 5mm का एलेंकी लेकर मैं इस तरह से पिस्टन पिन को बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पिस्टन पिन निकल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, पिस्टन पिन निकल चुका है। देखिए दोस्तों, पिस्टन पूरी तरह से डैमेज हो गया है और रिंग भी डैमेज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर आपके मशीन का डैमेज तभी होता है जब आप मशीन को ओनली पेट्रोल में चलाते हैं। क्रैंकशाफ्ट में बैरिंग और वॉशर लगा हुआ है दोनों साइड से। देखिए, वॉशर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नीडल बैरिंग में दोनों तरफ से दो वॉशर लगा हुआ रहता है। और ये देखिए, मैंने बैरिंग भी बाहर निकाल दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नीडल बैरिंग और वॉशर हमने निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये है T25 सॉकेट। स्टार सॉकेट को मैं लगाऊंगा 10 नंबर का टी रेंच में। स्टार सॉकेट 10 नंबर का टी रेंच में इस तरह से आपको लगाना है। सिलेंडर में मैनिफोल्ड लगा हुआ है, तो मैनिफोल्ड को खोलने के लिए हमें दो स्क्रू खोलना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर डैमेज तभी होता है जब आप मशीन को ओनली पेट्रोल में चलाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चैनसो मशीन टू स्टॉक है। टू स्टॉक चैनसो मशीन में हमें पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है। और अगर आप 1/2 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो 1/2 लीटर पेट्रोल में आपको 20 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है। 1 लीटर पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल डालना है 40 ml एंड 1/2 लीटर के साथ में टूटी ऑयल डालना है 20 ml। देखिए, मैनिफोल्ड का गास्केट डैमेज हो गया है, फट गया है गास्केट। दोस्तों, मैनिफोल्ड डैमेज होने पर भी आपके मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है, इसलिए आप मैनिफोल्ड को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। मैनिफोल्ड कटा हुआ फटा हुआ डैमेज लग रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक नया मैनिफोल्ड लगाइए। यह है न्यू सिलेंडर असेंबली। यह सिलेंडर असेंबली 58cc का है। गास्केट का मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है मैनिफोल्ड का गास्केट। ये गास्केट मैं मैनिफोल्ड में लगाऊंगा। किस तरह से लगाना है मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों, ये है सिलेंडर गास्केट। जैसा कि आप जानते हैं, यह सिलेंडर गास्केट है। चलिए और मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेंडर के अंदर में क्या क्या है। सिलेंडर में रिंग है तो रिंग को मैंने निकाल दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है रिंग। पिस्टन में दो रिंग लगता है, जैसा कि आप जानते ही है। दोस्तों, जब भी आप न्यू सिलेंडर असेंबली को फिट करें ना, रिंग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। साइड में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। रिंग को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही आप रिंग को पिस्टन में लगाएं। यह है पिस्टन पिन। जैसा कि आप जानते हैं, पिस्टन पिन पिस्टन में लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिस्टन में दोनों साइड से दो लॉक लगता है, तो यह पिस्टन का लॉक है। पिस्टन पिन लगाने के बाद हमें पिस्टन में दो लॉक लगाना पड़ता है। लॉक किस तरह से लगाना है मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा। सब कुछ फिट करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सिलेंडर असेंबली के साथ में एक नीडल बैरिंग भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है नीडल बैरिंग। और चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिस्टन और सिलेंडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पिस्टन, न्यू पिस्टन। आप ध्यान से देखिए, देखिए न्यू पिस्टन कुछ इस तरह से दिखता है। वीडियो में मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है डैमेज होने पर रिंग, पिस्टन और सिलेंडर कैसा दिखता है। पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सिलेंडर असेंबली डैमेज होने पर किस तरह से दिखता है। अगर आपने यह चैनसो मशीन रिपेयरिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पार्ट वन वीडियो का लिंक डाल दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट वन वीडियो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैनिफोल्ड गास्केट सिलेंडर में आपको इस तरह से लगाना है। ध्यान से देखिए आप, मैनिफोल्ड का जो गास्केट है वो आपको सिलेंडर में कुछ इस तरह से लगाना है। यह मैनिफोल्ड गास्केट को मैं मैनिफोल्ड में लगाऊंगा। मैनिफोल्ड में जो पुराना वाला गास्केट लगा हुआ था उसे हमने क्लीन कर दिया है। पुराना वाला गास्केट फट गया था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है। अब मैं न्यू गास्केट लगा रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैनिफोल्ड में पहले मैनिफोल्ड गास्केट लगाना है, उसके बाद इस तरह से स्क्रू लगाना है। मैनिफोल्ड से स्क्रू इस तरह से बाहर आना चाहिए। स्क्रू बाहर आ गया है। अब आप सिलेंडर में आराम से इस तरह से स्क्रू को फंसाइए। पहले दोनों स्क्रू को आप पहले फंसा लीजिए। स्टार सॉकेट लेकर आपको दोनों को एक बराबर टाइट करना है। दोनों स्क्रू को एक बराबर फुल टाइट करना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मैनिफोल्ड को चेंज नहीं किया है। मैनिफोल्ड को मैंने चेक किया, मैनिफोल्ड कटा हुआ फटा हुआ डैमेज नहीं था। मैंने इसी मशीन का मैनिफोल्ड सिलेंडर में लगाया है।
दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं पिस्टन में पिस्टन लॉक लगा रहा हूँ। देखिए पिस्टन में पिस्टन लॉक लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह का प्लास लेकर आप बहुत ही आसानी से पिस्टन में पिस्टन लॉक लगा सकते हैं। देखिए हमने लगा दिया है पिस्टन में पिस्टन लॉक। पिस्टन में पिस्टन लॉक लगाने के बाद आपको चेक करना है पिस्टन लॉक सही से बैठा हुआ होना चाहिए पिस्टन में। अब आपको पिस्टन में रिंग लगाना है। किसी भी रिंग को आप पहले लगा सकते हैं पिस्टन में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं पिस्टन में दो रिंग लगता है, तो फर्स्ट रिंग में जो लगा रहा हूँ इसे हम नीचे लगाएंगे। देखिए पिस्टन में हमने नीचे की तरफ एक रिंग लगा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब मैं दूसरा वाला रिंग लगाऊंगा। तो रिंग जब भी आप लगाएं आराम से लगाएं, रिंग बहुत ज़्यादा नहीं टानना है आपको, बहुत ही आराम से रिंग को लगाना है। देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी रिंग लगाना है पिस्टन में। दो रिंग हमने पिस्टन में लगा दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिंग का जो कट शेप है वहाँ पर। आप ध्यान से देखिए पिस्टन में एरो है, इसी जगह पर आपको बीच में रखना है रिंग को। पिस्टन में जो एरो आपको दिख रहा है और जो रिंग दिख रहा है, रिंग का जो कट शेप है वो बीच में रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको बीच में लगाना है रिंग। सेकेंड वाला भी बिल्कुल सेम रहेगा इसी तरह से। पिस्टन में जो आपको एरो दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप, रिंग का जो कट शेप है वो एरो के बीच में रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए इस तरह से बीच में आपको रखना है रिंग। जब आप पिस्टन रिंग सिलेंडर में लगाएंगे तो आपको रिंग प्रेस करना पड़ता है, रिंग को प्रेस करके लगाना पड़ता है सिलेंडर में। देखिए दोनों रिंग को आपको प्रेस करना पड़ता है, इस तरह से आपको प्रेस करके लगाना है सिलेंडर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इस तरह से लगाता हूँ, आपको इसी तरह से लगाना है। रिंग पिस्टन और सिलेंडर फिट करते समय आपको टूटे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको लेना है 20W40 इंजन ऑयल। बाइक में जो आप ऑयल डालते हैं, जो मोबिल डालते हैं ना, वही मोबिल का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और मोबिल बिल्कुल नया होना चाहिए, बिल्कुल न्यू होना चाहिए मोबिल। पुराना ऑयल का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें सिलेंडर असेंबली फिट करते समय। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं क्रैंक केस में दो बैरिंग लगा हुआ रहता है, दोनों बैरिंग में आपको इस तरह से ऑयल लगाना है। क्रैंक शाफ्ट बैरिंग, क्रैंक केस, ये सभी को हमने पेट्रोल से वॉश किया है और आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन दिख रहा है आपको। क्रैंक केस, क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक बैरिंग, ये सभी को आपको अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश करना है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। क्लीन करने के बाद ही आपको इस तरह से ऑयल लगाना है। दूसरा वाला क्रैंक केस बैरिंग में हमने ऑयल लगा दिया है। अब मैं क्रैंक शाफ्ट में ऑयल डाल रहा हूँ। इस तरह से आपको दो तीन बूंद डालना है ऑयल। क्रैंक केस बैरिंग और क्रैंक शाफ्ट में ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। जब आप ऑयल लगाएंगे तो यह बिल्कुल फ्री घूमेगा। क्रैंक केस बैरिंग एंड क्रैंक शाफ्ट में ऑयल लगाने के बाद आपको इस तरह से फ्लाई व्हील घुमाकर चेक करना है, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। फ्लाई व्हील को जब आप हाथों से इस तरह से घुमा रहे हैं तो फ्लाई व्हील जो है वो बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। अगर फ्लाई व्हील फ्री नहीं घूम रहा है तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से चेक करना है क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक बैरिंग, डैमेज हो सकता है। जैसा कि आपने देखा नीडल बैरिंग में हमने ऑयल लगाकर क्रैंक शाफ्ट में लगा दिया है। अब मैं साइड से वॉशर लगा रहा हूँ। नीडल बैरिंग में दोनों साइड से दो वॉशर लगता है, हमने लगा दिया है। पिस्टन पिन, पिस्टन में लगाने से पहले आपको ऑयल लगाना है। हमने ऑयल लगा दिया है पिस्टन पिन में। दोनों वॉशर को आपको इस तरह से प्रेस करके रखना है और आराम से पिस्टन पिन को अंदर लगाना है। देखिए पिस्टन पिन लग चुका है पिस्टन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पिस्टन में पिस्टन पिन लगाने के बाद आपको चेक करना है वॉशर लगा हुआ होना चाहिए। पिस्टन में पिस्टन लॉक मैं लगा रहा हूँ। पिस्टन में पिस्टन लॉक लगाने से पहले आपको क्रैंक शाफ्ट को ढकना है कपड़ा लेकर। एक कपड़ा लेकर पहले आप क्रैंक शाफ्ट को ढक लीजिए, उसके बाद आपको लॉक लगाना है। पिस्टन में लॉक हमने लगा दिया है। अब मैं लगा रहा हूँ सिलेंडर गास्केट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए सिलेंडर गास्केट आपको इस तरह से लगाना है, ध्यान से देखिए आप। देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से सिलेंडर गास्केट लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको सिलेंडर गास्केट लगाना है। सिलेंडर गास्केट लगाने के बाद आपको चेक करना है सभी हॉल मैच करना चाहिए। ये देखिए सभी हॉल क्लियर होना चाहिए। सिलेंडर गास्केट लगाने के बाद आपको चेक करना है चारों हॉल दिखना चाहिए आपको। सिलेंडर गास्केट लगाने के बाद चारों हॉल आपको क्लियर दिख रहा है, इसके बाद आपको सिलेंडर फिट करना है। सिलेंडर में मैंने मैनिफोल्ड पहले ही लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगा मैनिफोल्ड ब्रैकेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मैनिफोल्ड ब्रैकेट। मैनिफोल्ड ब्रैकेट में दो नट लगा हुआ है, दोनों नट आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। नट डैमेज नहीं होना चाहिए, नट बाहर आ गया है, नट स्लिप है। मैनिफोल्ड ब्रैकेट लगाने से पहले आपको अच्छी तरह से चेक करना है। मैनिफोल्ड ब्रैकेट कटा हुआ फटा हुआ डैमेज लग रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए। मैनिफोल्ड फ्लैंज या मैनिफोल्ड ब्रैकेट, इनमें से कुछ भी डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप यह तीनों आइटम को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड ब्रैकेट, मैनिफोल्ड फ्लैंज, आप सभी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये है मैनिफोल्ड फ्लैंज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह फ्लैंज लगा रहा हूँ मैं। देखिए मैं फिट करने वाला हूँ फ्लैंज। फ्लैंज फिट करने से पहले भी आपको चेक करना है फ्लैंज बिल्कुल सही होना चाहिए। फ्लैंज अगर डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा या मशीन स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से चेक करना है। जितना आइटम मैंने बताया सभी आइटम को आपको अच्छी तरह से चेक करना है।
मैनिफोल्ड में फ्लैंज लगाते वक्त आपको इस्तेमाल करना है एलेंकी। देखिए मैं एलेंकी का इस्तेमाल से मैनिफोल्ड में मैनिफोल्ड फ्लैंज हमने लगा दिया है। मैनिफोल्ड में फ्लैंज लगाते वक्त आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे तो मैनिफोल्ड डैमेज हो सकता है, फट सकता है। सिलेंडर रिंग पिस्टन में लगाने से पहले आपको यहाँ पर ऑयल लगाना है। देखिए ऑयल आपको अच्छी तरह से लगाना है सिलेंडर में। सिलेंडर में इस तरह से ऑयल लगाने के बाद आपको पिस्टन और रिंग में भी ऑयल लगाना है। रिंग और पिस्टन में अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। देखिए मैं किस तरह से ऑयल लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको ऑयल लगाना है रिंग और पिस्टन में। पिस्टन और रिंग में हम सभी साइड से अच्छी तरह से ऑयल को लगाएंगे। देखिए मैं इस तरह से ऑयल लगा रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से ऑयल लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिस्टन का जो रिंग है वो कहाँ पर रहेगा, किस जगह पर रहेगा, मैंने आपको बताया था। पिस्टन में रिंग उसी जगह पर रख कर आपको प्रेस करके रखना है। रिंग तब तक प्रेस करके रखना है जब तक सिलेंडर असेंबली के अंदर ना चला जाए। रिंग पिस्टन लगाते वक्त सिलेंडर में पिस्टन नहीं जा रहा है, रिंग पिस्टन सिलेंडर के अंदर नहीं जा रहा है तो आप बाहर निकालिए और दोबारा से फिट कीजिए, फिट हो जाएगा। क्रैंक केस में इस तरह से आपको एक गास्केट लगाना है। देखिए मैंने गास्केट को लगा दिया है। गास्केट को ध्यान से देखिए आप, इस तरह से आपको गास्केट लगाना है जैसे तरह से मैंने लगाया है। सिलेंडर को बैठाने से पहले आपको चेक करना है गास्केट जो है वो सही से लगा हुआ होना चाहिए। आप गास्केट को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। गास्केट लगाने के बाद आपको चारों हॉल क्लियर दिखना चाहिए, उसके बाद ही आप सिलेंडर असेंबली को बैठाएं। मैनिफोल्ड ब्रैकेट से एयर पाइप को पार करना है। मैनिफोल्ड ब्रैकेट में एक हॉल होता है, लास्ट लेकर एयर पाइप को लगाना है। मैनिफोल्ड ब्रैकेट में एक हॉल है और एक हॉल आपको गास्केट में मिल जाएगा, कार्बोरेटर गास्केट में। दोनों हॉल से आपको पार करना है एयर पाइप। जब आप दोनों हॉल से इस तरह से पार करेंगे तो एयर पाइप बाहर आ जाएगा। अब आप एयर पाइप को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए मैं एयर पाइप को बाहर निकाल रहा हूँ। जब एयर पाइप बाहर आ जाए अच्छी तरह से, उसके बाद आपको सिलेंडर को बैठाना है। फिर से आप गास्केट को चेक कर लीजिए, गास्केट सही से लगा हुआ होना चाहिए। गास्केट को अच्छी तरह से बैठा लीजिए, हॉल में मैच कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से प्रेस कीजिएगा सिलेंडर को, तो सिलेंडर आराम से बैठ जाएगा। देखिए सिलेंडर बैठ चुका है। दोस्तों सिलेंडर बैठाने के बाद भी आपको चेक करना है, सभी हॉल आपको क्लियर दिखना चाहिए। ये देखिए ये मैनिफोल्ड ब्रैकेट का हॉल है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखना चाहिए। मैनिफोल्ड ब्रैकेट का दूसरा वाला हॉल यहाँ पर है, सभी हॉल क्लियर दिखना चाहिए आपको। जैसा कि आप जानते हैं मैनिफोल्ड ब्रैकेट में दो एलेंकी बोल्ट लगाना पड़ता है। स्मॉल एलेंकी बोल्ट यहां पर आपको लगाना है, ध्यान से देखिए आप, स्मॉल एलेंकी बोल्ट आपको लगाना है मैनिफोल्ड ब्रैकेट में। मैनिफोल्ड ब्रैकेट का बोल्ट आप जब भी लगाएंगे आपको बोल्ट अभी फुल टाइट नहीं करना है, आपको ढीला रखना है बोल्ट। पहले आपको बोल्ट को फंसाना है। एक एलेंकी बोल्ट हमने मैनिफोल्ड ब्रैकेट में फंसा दिया है, दूसरा वाला बोल्ट मैं लगा रहा हूँ। मैनिफोल्ड ब्रैकेट का जो बोल्ट है उसे अभी फुल टाइट नहीं करना है। सबसे पहले आपने मैनिफोल्ड ब्रैकेट में दोनों बोल्ट को फंसा दिया है। अब आपको सिलेंडर में देखना है, सभी हॉल आपको क्लियर दिखना चाहिए। देखिए सभी हॉल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब हम एलेंकी बोल्ट लगाएंगे। सिलेंडर को टाइट करने के लिए हमें 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगाना पड़ता है, तो सभी बोल्ट को पहले हम फंसाएंगे, उसके बाद सभी को टाइट करेंगे। सिलेंडर का चारों बोल्ट पहले हम एक बराबर फंसाएंगे, इसके बाद हम इसे फुल टाइट करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आगे भी आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों सिलेंडर का 4 एलेंकी बोल्ट टाइट करने के बाद आपको इस तरह से फ्लाईव्हील घुमाकर चेक करना है। फ्लाईव्हील जब आप घुमाएंगे तो फ्लाईव्हील आराम से घूमना चाहिए, कहीं पर भी फंसना नहीं चाहिए। कहीं पर भी फंस रहा है फ्लाईव्हील तो आप दोबारा से सिलेंडर असेंबली को खोलिए और चेक कीजिए। फ्लाईव्हील बिल्कुल आराम से घूमना चाहिए। एलेंकी बोल्ट खोलकर हमने वायर को लगा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वायर हमने फिट कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैनिफोल्ड में आपको एक राउंड रिंग लगाना पड़ता है। ये देखिए ये राउंड रिंग आपको लगाना है मैनिफोल्ड में। मैनिफोल्ड अगर डैमेज रहेगा तो ये राउंड रिंग नहीं लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैनिफोल्ड में आप राउंड रिंग फिट कर रहे हैं और फिट नहीं हो रहा है तो आपको चेंज करना चाहिए मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड में हमने राउंड रिंग फिट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पाइप है, यह पाइप में स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग को हम नीचे करेंगे। यह चैनसो मशीन में 3 पिन का कार्बोरेटर है, जैसा कि आपने देखा वीडियो में 3 पिन का कार्बोरेटर में 3 पाइप लगता है। चलिए मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ कौन सा पाइप कहाँ पर लगेगा। यह चैनसो मशीन का कार्बोरेटर हमने पेट्रोल से वॉश किया है। आपके चैनसो मशीन का कार्बोरेटर में डस्ट लगा हुआ है तो आप उसे क्लीन कीजिए, पेट्रोल से वॉश कीजिए कार्बोरेटर को। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं कौन सा पाइप कहाँ पर लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है।
दोस्तों एक पाइप तो हमने लगा दिया है, अब मैं आपको दूसरा वाला पाइप लगा कर दिखा रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको फ्यूल पाइप लगा कर दिखाऊंगा जिससे पेट्रोल आता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी पाइप में फ्यूल फिल्टर लगा हुआ रहता है, अगर फ्यूल फिल्टर ब्लॉक रहेगा तो पेट्रोल सही से नहीं आएगा। पेट्रोल टैंक के अंदर एक फ्यूल फिल्टर है, आप उसे क्लीन कर लीजिए। कार्बोरेटर में एक्सेलेटर रॉड फिट करना है, रॉड हमने फिट कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने एक्सेलेटर रॉड को हमने फिट कर दिया है। मैनिफोल्ड में लगा हुआ राउंड रिंग गिर गया है तो हम इसे निकालेंगे और दोबारा से लगाएंगे। तो देखिए राउंड रिंग बाहर आ गया है तो मैं इसे दोबारा से लगाऊंगा। पहले मैं एयर पाइप लगाऊंगा, ये देखिए ऊपर का एक एयर पाइप है तो आप इसे इस तरह से लगा दीजिए। दोबारा से मैं राउंड रिंग को लगा रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए राउंड रिंग मैं लगा रहा हूँ मैनिफोल्ड में। एयर फिल्टर एडेप्टर में जैसा कि आप जानते हैं दो एलेंकी बोल्ट लगता है। एयर फिल्टर एडेप्टर लगाने से पहले भी आपको चेक करना है, एयर फिल्टर एडेप्टर कटा हुआ फटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए आप, एयर फिल्टर एडेप्टर मैं जो लगा रहा हूँ इसे आपको चेक करना है। एयर फिल्टर एडेप्टर यह मशीन का बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर का एलेंकी बोल्ट आप जब भी टाइट करें पहले आपको फंसाना है, यह दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करना है। किसी एक एलेंकी बोल्ट को पहले आप फुल टाइट ना करें, दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करें तभी यह टाइट होगा। और अगर एलेंकी बोल्ट लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एलेंकी बोल्ट नहीं लग रहा है, तब आपको चेक करना चाहिए मैनिफोल्ड ब्रैकेट, अगर वो डैमेज है तो उसे चेंज कीजिए। एयर फिल्टर एडेप्टर में आपको रबर गार्ड इस तरह से लगाना है, देखिए रबर गार्ड लग चुका है। दोस्तों अब मैं फिट करने वाला हूँ रिकॉइल स्टार्टर, यह चैनसो मशीन का रिकॉइल स्टार्टर फिट करूंगा। रिकॉइल स्टार्टर फिट करने से पहले आपको चेक करना है रिकॉइल स्टार्टर का जो रस्सी है उसे चेक करना है। स्टार्टर बिल्कुल सही वर्क करेगा तभी आपको लगाना है। स्टार्टर को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए लगाने से पहले। यह चैनसो मशीन का रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही है। स्टार्टर को आप जब भी फिट करें बोल्ट लगाने से पहले आपको चेक करना है स्टार्टर लॉक हो रहा है ना। स्टार्टर लॉक हो रहा है तभी आप रिकॉइल स्टार्टर का जो बोल्ट है वो फिट करें। स्टार्टर रॉप इस तरह से खींच कर देख लीजिए, लॉक होना चाहिए। लॉक हो रहा है तभी आप बोल्ट को लगाएं। रिकॉइल स्टार्टर का बोल्ट आप जब भी फिट करें चारों बोल्ट को पहले आपको एक बराबर फंसाना है। किसी एक एलेंकी बोल्ट को पहले फुल टाइट ना करें, चारों एलेंकी को बराबर बराबर टाइट करें। दोस्तों हमारे किसान मशीन YouTube चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे मैं उसी मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आस पास टेक्नीशियन नहीं है। देखिए जरा आस पास ना, किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। पेट्रोल टैंक से हमने पेट्रोल निकाल दिया है। यह चैनसो मशीन में पहले से जो पेट्रोल डाला हुआ था वह पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स नहीं था, ये हमने न्यू पेट्रोल लिया है। 500 ml का बोतल है तो 500 ml पेट्रोल में हम मिक्स करेंगे 20 ml टूटी ऑयल। ये देखिए दोस्तों, यह सर्वो कंपनी का टूटी ऑयल बहुत बेस्ट है, लो स्मोक टू स्टॉक इंजन ऑयल। मैं इसी टूटी ऑयल का इस्तेमाल करता हूं और यह टूटी ऑयल बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह 20 ml का टूटी ऑयल है, यहां पर लिखा हुआ है देखिए 20 ml। यह 20 ml का पैकेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं 20 ml का यह टूटी ऑयल है। हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है और एक लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है। दोस्तों पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है, आप ओनली पेट्रोल से यह मशीन को ना चलाएं। अगर आप ओनली पेट्रोल से यह मशीन को चलाएंगे तो आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर यह सभी डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप मशीन को चलाएँ पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स होना चाहिए। दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का चैनसो मशीन है और आप चैनसो मशीन का स्पेयर पार्ट्स घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं, मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए, सभी स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका चैनसो मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तो आपको चेंज करके देखना चाहिए स्पार्क प्लग। यह चैनसो मशीन का स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ है तो कार्बन को हम क्लीन करेंगे। स्पार्क प्लग का कार्बन हमने साफ कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पार्क प्लग में जो कार्बन लगा हुआ था उसे हमने क्लीन कर दिया है। अब मैं स्पार्क प्लग में करंट चेक करूंगा। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए स्पार्क प्लग को प्लग कैप में आप इस तरह से टाइट करके लगा दीजिए। स्विच ऑन करके रिकॉइल स्टार्टर खींचकर करंट चेक कीजिए।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि स्पार्क प्लग में करंट कम आता है और आपका मशीन स्टार्ट हो जाता है, आपका चैनसो मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। चैनसो मशीन स्टार्ट करके एक्सेलेटर को प्रेस करते हैं तो मशीन अचानक से ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके मशीन में आ रहा है तो आपको स्पार्क प्लग चेंज करना चाहिए, एक न्यू स्पार्क प्लग लगाकर देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्राइम बल्ब लगा हुआ है तो इसे हम 4 से 5 बार प्रेस करेंगे। प्राइम बल्ब में पेट्रोल आना चाहिए, प्राइम बल्ब में पेट्रोल आ रहा है और प्राइम बल्ब टाइट हो रहा है। यह चैनसो मशीन का प्राइम बल्ब बिल्कुल सही है। आपके चैनसो मशीन का प्राइम बल्ब में पेट्रोल नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना चाहिए प्राइम बल्ब एंड फ्यूल पाइप। जैसा कि आपने देखा चैनसो मशीन एक किक में स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल सही चल रहा है। यह चैनसो मशीन थोड़ा सा रेस था इसलिए मैंने कार्बोरेटर का ऊपर का स्क्रू लूज किया थोड़ा सा। अगर आपका चैनसो मशीन रेस है तो आप उसे कम कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाला स्क्रू को लूज किया उस तरह से आपको भी लूज करना है, रेस कम हो जाएगा। साइलेंसर लगाने से पहले आपको लगाना है साइलेंसर का बोल्ट और गास्केट, गास्केट मैंने लगा दिया है। दोस्तों यह चैनसो मशीन का जो साइलेंसर है वो बिल्कुल क्लीन है, आप अपने मशीन का साइलेंसर क्लीन कर लीजिए। साइलेंसर में ऑयल या डस्ट जमा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर जमा हुआ है तो आप उसे साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। साइलेंसर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अगर साइलेंसर में मोबिल रहेगा या डस्ट रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। साइलेंसर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, आप साइलेंसर को क्लीन करके ही लगाएं। साइलेंसर में हमने 8 नंबर का 2 नट लगा दिया है। अब मैं एलेंकी बोल्ट लगा रहा हूँ, नीचे में 2 एलेंकी बोल्ट लगता है 4 mm का। साइलेंसर में आप जब भी एलेंकी बोल्ट लगाएं आपको देखकर लगाना है, स्मॉल एलेंकी बोल्ट आपको लगाना है साइलेंसर में। अभी मैं एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले नट को टाइट करूंगा। 2 नट जो मैंने पहले लगाया है मैं इसे पहले फुल टाइट करूंगा, इसके बाद नीचे का एलेंकी बोल्ट फुल टाइट करूंगा। 8 नंबर का नट और 4 mm का एलेंकी बोल्ट, यह सभी को एक बराबर टाइट करना है। साइलेंसर के अंदर में मोबिल है या डस्ट है किस तरह से क्लीन करना है इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखकर साइलेंसर क्लीन कर सकते हैं। हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको इसी तरह का वीडियो मिलता ही रहेगा हमारे चैनल पर। स्विच ऑन करेंगे और मशीन को फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। यह चैनसो मशीन बन चुका है, जैसा कि आपने देखा चैनसो मशीन एक किक में स्टार्ट हो रहा है। यह चैनसो मशीन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। स्पार्क प्लग से हमने प्लग कैप बाहर निकाल दिया है, अब मैं स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालूंगा प्लग रेंज की मदद से। दोस्तों टॉप कवर लगाने के लिए हमें स्पार्क प्लग को खोलना होगा, मैंने स्पार्क प्लग को खोल दिया है, अब मैं टॉप कवर को फिट करूंगा। टॉप कवर लगाने से पहले हमें लगाना है चॉक लीवर, चॉक लीवर लगाना बहुत जरूरी है। तो देखिए चॉक लीवर आपको कहां पर लगाना है और किस तरह से लगाना है, यहां पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों मैं किस तरह से चॉक लीवर को लगा रहा हूं, इसी तरह से आपको भी लगाना है। देखिए चॉक लीवर लगाना कितना आसान है, देखिए इस तरह से आप चॉक लीवर को लगा सकते हैं। चॉक लीवर लग चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चॉक लीवर लगाने के बाद आपको एक रबर बूट से उसे बैठाना है। टॉप कवर लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
कई लोग इग्निशन कॉइल का जो वायर है उसे सही से फिट नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर आपको लगाना है इग्निशन कॉइल का जो वायर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये है इग्निशन कॉइल का वायर, ये इग्निशन कॉइल का वायर इसी रबर में आपको लगाना है। टॉप कवर को आप ध्यान से देख कर लगाएं, बहुत ही आराम से ये लग जाता है। टॉप कवर नहीं लग रहा है तो आप इसे दोबारा से बाहर निकालिए और लगाइए, लग जाएगा, बहुत आसान है टॉप कवर लगाना। टॉप कवर को टाइट करने के लिए 5 एलेंकी बोल्ट चाहिए 4 mm का। यहाँ पर आप जब भी एलेंकी बोल्ट को लगाएं, किसी एक एलेंकी बोल्ट को पहले फुल टाइट नहीं करना है, सभी एलेंकी बोल्ट पहले आपको फंसाना है। जब सभी एलेंकी बोल्ट फंस जाए उसके बाद आपको एक एक करके सभी को टाइट करना है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ सिखाया है, आप उस वीडियो को देखिए। क्या आप किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर आपने अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अभी रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह का आगे आपको और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा। आपके चैनसो मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों, अब मैं फिट करने वाला हूं एयर फिल्टर। यह एयर फिल्टर आप देख सकते हैं, यह एयर फिल्टर पेपर वाला है। पेपर वाला एयर फिल्टर आप जब भी साफ करें आपको एयर से साफ करना है। यह पेपर वाला एयर फिल्टर को हमने क्लीन कर दिया है। चैनसो मशीन का रिंग, पिस्टन, सिलेंडर, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, फ्लाई व्हील, रिकॉइल, स्टार्टर, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक कैस बैरिंग, क्लच, ड्रम, स्पॉकेट, ऑयल पंप, फ्यूल पाइप, फ्यूल फिल्टर, सभी स्पेयर पार्ट्स हमारे पास आपको मिल जाएगा और सभी स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। ब्रेक वेन मशीन में लगा हुआ रहेगा और ब्रेक वेन को आप आगे करेंगे तो क्लच लॉक हो जाएगा। देखिए, अभी ब्रेक वेन ओपन हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ब्रेक वेन को हम फिर से आगे करेंगे तो देखिए ब्रेक वेन लॉक हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ब्रेक वेन अभी लॉक हो गया है और स्प्रिंग का साइज छोटा हो गया है। ब्रेक वेन को मशीन में हम जब भी फिट करेंगे ब्रेक वेन ओपन होना चाहिए, अगर लॉक करके लगाएंगे तो ब्रेक वेन नहीं लगेगा, ओपन होना चाहिए। देखिए इसका साइज, स्प्रिंग का साइज अभी बड़ा हो गया है। ब्रेक वेन को आप फिट कर रहे हैं और फिट नहीं हो रहा है तो आप ओपन कर लीजिए, ब्रेक वेन को ओपन करके लगाइए, लग जाएगा, और अगर ये लॉक रहेगा तो नहीं लगेगा। ब्रेक वेन में 2 नट लगता है, दोनों नट 12 नंबर का है, तो 12 नंबर का गोटी और हैंडल से हम नट को फुल टाइट करेंगे। चैनसो मशीन का स्पेयर पार्ट्स घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं? चैनसो मशीन का स्पेयर पार्ट्स मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा, अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। यह वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।